दोस्तों अक्सर हमारे मन में आता है कि हम अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है वो मिरर कर सकें कहीं भी, जैसे हमारा लैपटॉप हो या कुछ भी हो, हम अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में अपनी स्क्रीन को मिरर कर सके। दोस्तों अक्सर ये जरूरत यूट्यूबर्स को पड़ जाता है, टेक्निकल यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको ये जरूरत पड़ जाता है अपने ट्यूटोरियल्स के लिए, या बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसकी जरूरत पड़ जाती है। मगर दोस्तों कभी कभी हमको ये जरूरत पड़ जाता है कि कोई कोई लोग होते हैं गेम खेलने के शौकीन होते हैं, तो अब कोई मोबाइल गेम्स होता है मिलता नहीं है, अपने लैपटॉप या कुछ के लिए मोबाइल गेम्स मिलता नहीं, तो हम सोचते हैं कि हमारा मोबाइल गेम जो है हमारे लैपटॉप पे मिरर हो जाए, मेरा मोबाइल स्क्रीन लैपटॉप पे दिखे। तो इसके लिए दोस्तों हमको बहुत सारे एप्स मिल जाते हैं पर वो वर्क नहीं करते हैं दोस्तों। तो आज मैं लाया मिरर गो दोस्तों। ये मिरर गो से आप अपना मोबाइल स्क्रीन अपने कंप्यूटर पे इधर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए कोई पेइंग ऑप्शन भी नहीं है। और दोस्तों इस मिरर गो से आप मोबाइल स्क्रीन को कंप्यूटर पे मिरर भी कर सकते हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, चाहे अपना ट्यूटोरियल्स बनाइए, चाहे गेम्स खेलिए, चाहे एवरीथिंग, चाहे जो करिए। तो चलता हूं मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सद्दाम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वंडर शेयर मिरर गो डाउनलोड कर लेंगे। तो हमको सर्च बार में टाइप करना है वंडर शेयर मिरर गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंडर शेयर मिरर गो डाउनलोड आ चुका है, हमको इस पर क्लिक कर देना है। तो हमको यहाँ पे नीचे चले आना है दोस्तों। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं वंडर शेयर मिरर गो, हमको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो हमको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंडर शेयर मिरर गो जो कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरा, और हमको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा वंडर शेयर मिरर को इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा और इसको एक्सेस कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा वंडर शेयर मिरर गो जो कि इंस्टॉल हो चुका है, कुछ इस तरह का ये ओपन होता है। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करेंगे यूएसबी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Xiaomi Redmi 4 जो कि मेरा मोबाइल है ये आ चुका है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है आपके मोबाइल में, बस कुछ ही समय के लिए है दोस्तों, तुरंत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा मिरर को जो है ओपन हो चुका है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आप मिरर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं अपने मोबाइल में जो भी चलाता हूं दोस्तों सब कुछ यहां पे आ जा रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे मैं कोई भी मैसेज ओपन करता हूं या कुछ भी करता हूं दोस्तों तो सब कुछ होगा। हम चाहे आप ट्यूटोरियल के लिए करते हैं तो आप यहां से रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं एंड्रॉयड रिकॉर्डिंग के ज़रिए। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चाहे जो भी करेंगे अपना अपने मोबाइल में दोस्तों वो सब रिकॉर्ड होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं चाहे जो भी ओपन करता हूँ या कोई भी कॉल लॉग खोलता हूँ या कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, एवरीथिंग कुछ भी करूँगा दोस्तों यहाँ पे मेरा ये सब कुछ होगा, मैं चाहे जो भी करूँगा।
सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा दोस्तों। इसके बाद हम इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों, यहाँ बता रहा है कि आपको यूज़र एचपी डेस्कटॉप में जाएंगे तो मिरर गो का एक फाइल है रिकॉर्ड फोल्डर के नाम से, उसी में है दोस्तों। तो हम चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फोल्डर बन गया है। अरे यहाँ पे ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग्स। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी, ये दोस्तों आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं मेरे आप मोबाइल का। करेंगे अपना अपने मोबाइल में दोस्तों वो सब दोस्तों मैंने जो जो किया था अब तक सब कुछ एकदम रिकॉर्ड होगा देख दोस्तों। सकते हो दोस्तों, ये सब एकदम रिकॉर्ड हो चुका है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए मुझे अपने मोबाइल में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर या कुछ भी डाउनलोड करना नहीं पड़ा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, मैं चाहे जो भी ओपन कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आपके कमेंट से बहुत से काम हो जाते हैं, आपके मन में चाहे जो भी बात हो आप कमेंट के जरिए बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।